फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज आपके लिए जो आपको मैंने बोला था, अच्छी न्यूज़ है। और मैं गया था, मीटिंग हुई, ठीक है, और सर ने मेरे को वैकेंसी बताई और उसमें आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मेरे को मिले, मैं जो आप लोगों तक शेयर करता हूँ। और कितनी वैकेंसी, पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है, कि जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज फ्राइडे नहीं है यार, एंड वेनसडे, आज जुमे रात को है, ठीक है ठीक है। तो भाई आज थर्सडे है और मेरे को नींद सी आ रही है। मैं सोच रहा था कल वीडियो बनाऊं, मैं दिन में मैंने सोचा यार फिर टाइम नहीं मिलेगा, कल फ्राइडे है तो कल मेरे पास काम है काफ़ी सारा, और छुट्टी, बस छुट्टी भी है, छुट्टी है भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। मतलब काम जाना भी है, ज़्यादा काम नहीं है, और ओवर टाइम मिलेगा मुझे उसका कंपनी की तरफ से, वो मसला नहीं है। तो सबसे पहले बताता हूँ यार, इधर वाले, मैं सोच रहा था कि दिन में वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार टाइम मिले ना मिले पता नहीं है, चलो अभी रात को ही बना देता हूँ। अभी मेरा भाई मेरे पास से गया, ठीक है, तो सबसे पहले किसका वैकेंसी, देखो मेरे पास दो वैकेंसी दिया अभी, एक अकाउंटेंट का और एक दिया कैशियर का, ठीक है, मैं अब तक बता रहा हूँ और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सब कुछ बता रहा हूँ। इस वीडियो में, वीडियो के नीचे कंपनी का लिंक, लिंक नहीं, ईमेल आईडी होगा और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी इसमें, इसके नीचे होगा। अगर जो आपको उधर फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब नहीं भेज सकते, तो मेरे इस पे भेज दो, मैं बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा इधर से, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप मुझे नहीं, कंपनी को डायरेक्ट फॉरवर्ड करें, ठीक है। जहाज को जाने दें, चला गया। देखो, आप मोस्टली कोशिश करें कि आप मुझे नहीं, कंपनी को डायरेक्ट भेजें। अगर जो नहीं भेज पा रहे हो तो उधर मेरे को भेजो, ठीक है, CV। मेरे साथ बात हुआ अभी, आज उन लोगों ने मेरे को दो वैकेंसी के बारे में बताया, कैशियर के बारे में, अकाउंटेंट चाहिए उनको। एक मिनट में व्हाट्सएप में देख लूँ, व्हाट्सएप में फ़ोटो खींचा था वहाँ भेज, हाँ भाई, तो मैंने देख लिया अभी व्हाट्सएप में, क्योंकि मैंने फ़ोटो लेके उसका सर को ही वापस सेंड किया था। तो भाई उनको चाहिए 11 अकाउंटेंट, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लड़की या लड़का, लेकिन उसके पास एजुकेशन BCom होनी, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन सर की रिक्वायरमेंट थी कि प्लस टू वाले को या उसको हम लोग हायर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ना भी हो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, अप्लाई कर दो। अगर जो आप 12th किए हुए तो बिल्कुल अप्लाई ना करो, क्योंकि सर ने मेरे को डायरेक्ट बोला था कि ग्रेजुएशन वालों को ही हम लोग कॉल करेंगे। नंबर दूसरी बात, 11 हैं, ठीक है, तो लड़की हैं तो वो भी CV जरूर ड्रॉप करें, और एक्सपीरियंस ना भी है, ठीक है, तो जब भी करें तो आपको जरूर रिस्पॉन्स, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। और कैशियर चाहिए भाई उन लोगों को, कितना यार, एक मिनट, कैशियर चाहिए उनको 26, ठीक है, तो 26 उन लोगों को कैशियर चाहिए अभी, और इसमें प्लस टू वाले भी चलेंगे, 10th वाले भी चलेंगे, ठीक है, तो अगर जो कोई प्लस टू वाला है तो वो भी इसके लिए अप्लाई करें। और क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए, अगर जो आप फ्रेशर हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आपके चांस और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी ज़रूर आप अप्लाई करें इसके लिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जरूर रिस्पॉन्स 100% आएगा। क्योंकि मेरी सर से बात हुआ था तो मैं बोल रहे थे कि दुबई से हम लेंगे, लेकिन हम लोग आउट ऑफ कंट्री इंडिया से भी ज़रूर हम लोग लेंगे इधर से, अब वो कितने लेंगे वो पता नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ यार, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगर जो मेरी इस वीडियो से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा होगा, मतलब जॉब मिल गई, तो सच में मैं सोचूंगा कि मेरा आना जाना और मैंने इतना सपोर्ट किया आप लोगों को, और इतना मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, बोल रहा हूँ और फ्री में आपको मिल रहा है, सच में एक बंदे को मिल गया ना जॉब, इसके बाद में मेरे को कुक की बोल रहे हैं कि कुक क्या होता है, देखो सर, जो इधर होते हैं ना, ये अपने हेड ऑफिस को मेल करते हैं कि हम लोगों को इतने बंदे की ज़रूरत है, उधर से अप्रूवल होने के बाद ये जॉब अलाउंस करते हैं,
ठीक है, तो दो चीज़ का अकाउंट का और अकाउंटेंट का और कैशियर का, उनको इनके पास जॉब थी, जॉब अभी भी है, लेकिन वो कल कल तो फ्राइडे है, कल छुट्टी, सैटरडे वाले दिन उनके पास मेल आ जाएगा, तो संडे वाले दिन मेरे पास वो सर मेल कर देंगे, ठीक है। और अगर जो किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो भाई मेरे को कमेंट करके बता दें और अप्लाई ज़रूर करें यार, ठीक है। सैलरी, आप सैलरी पूछेंगे, अगर जो कोई किसी की सैलरी, मतलब कोई फ्रेशर है अकाउंटेंट है, तो उसकी 3,000 समथिंग सैलरी लगेगी, ठीक है। और मतलब 3,000 मिनिमम सैलरी होगी उसकी, 2,800। अगर जो किसी के पास एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट के पास में, तो 4,000 तक भी सैलरी मिलेगी, ठीक है, 4,000, 4,500। मैं सर से डायरेक्ट बात किया इस मामले में। और भाई कैशियर के बारे में डिपेंड करता है कि आप, अगर जो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपको 2,500 सैलरी मिलेगी विद अकोमोडेशन, ठीक है। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, अगर जो आप कंपनी अकोमोडेशन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपको 850, मतलब 850 दरम मिलेगा, मुझे 600 मिलता है, अभी आप समझ लो। अगर जो आप कंपनी अकोमोडेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, आप बोलोगे कि सर मैं तो अपनी मर्ज़ी से किधर भी दुबई में रहूँगा, मैं कंपनी के साथ साथ में, मतलब कंपनी के रूम में नहीं रहता, तो आपको 850 दरम मिलेगा भाई, ठीक है। तो कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ज़रूर अप्लाई करो यार इसके लिए, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, और मैं फिर मैं बता रहा हूँ, वीडियो के नीचे मैं ईमेल आईडी सेंड कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब दे रहा हूँ, आप उस पर जाके ईमेल करें, और मैं अपना भी इसके नीचे ईमेल आईडी दे दूंगा, तो उस पर भी जाके ज़रूर ईमेल करें, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कुक की, क्लीनर की और वेटर की और काफ़ी सारी भी बताया सर ने, क्योंकि कुक की आई क्या स्पेशल है, तो मेरे को बोला कि क्लीनर की और वेटर की दो मेरे पास आए, संडे को आ जाएंगी, ठीक है। उनका भी जो कोई 10th फेल है या 10th किया हुआ, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, मैं सैलरी वगैरह बता दूँगा उसका। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बहुत सारी बातें, और कमेंट जरूर ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको CV ड्रॉप करने के बाद में किसी के पास भी अगर जो कोई कॉल आएगा ना, तो मेरे को ज़रूर मैसेज करें यार, ठीक है, पर्सनली, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे रहेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और भाई फिर मैं बोल रहा हूँ यार, अप्लाई ज़रूर करें यार, कुछ भी नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। आपको, हाँ, आपका स्काइप पे आपका इंटरव्यू होगा, और आपसे नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वैसे पूछेंगे। तो आपका ऑनलाइन, अगर जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो दुबई में बैठे हैं भाई, वो भी ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, उनके चांसेस भी हैं, और जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनके चांसेस भी हैं, बट डिफरेंट इतना है, जो दुबई में बैठे हुए उनके 60%, जो इंडिया में बैठे हुए उनके 40, लेकिन हैं, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर करें यार, ठीक है, अप्लाई करने से कुछ नहीं जा रहा है, और सच बता रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ आपको, किसी ना किसी को जॉब पक्का मिलेगा। तो बाइक राइडर की और कुक की और क्लीनर की और वेटर की, ये चार वैकेंसी बाकी हैं अभी, तो अकाउंटेंट और कैशियर की जॉब है, तो प्लीज़ अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करें यार, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे से, मैं कितनी बार बोलूँ पता नहीं, ठीक है। तो ओके, बस।